सो कल एक बहुत अच्छी गज़ल सुन रही थी मैं। उसमें एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि ज़िंदगी को जीने के लिए ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो कितनी सिंपल लाइन है, पर इस बात में कितनी गहराई है कि कभी कभी हम ये सिंपल चीज़ें समझ ही नहीं पाते, क्योंकि सबको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, सबको अपनी ज़िंदगी को दूसरे से अच्छी बनाना है। मुझे अपनी ज़िंदगी में सबसे बेस्ट ये चीज़ चाहिए, बेस्ट वो चीज़ चाहिए, मुझे अपनी लाइफ को एकदम परफेक्ट बनाना है। और इस चक्कर में, इस कंपटीशन में हम ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं। पर ज़िंदा रहने के लिए ज़िंदगी को महसूस करना ज़रूरी है, वरना किसी मुर्दे में और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा, सोच के देखो। हाय, मेरा नाम जिया है। आज ख्यालों वाली खिड़की में एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम चूज करते हैं, इट्स आर चॉइस। जो भी हमने डिसीजन लिया है, जो भी हम कर रहे हैं, इट्स प्योरली बेस्ड ऑन आर चॉइसेस। ऐसी कौन सी छोटी छोटी सिंपल चीजें हैं जो हम अपनी जिंदगी को महसूस करने के लिए, जीने के लिए कर पाए? और इसके लिए एक छोटा सा लिस्ट बनाया है। आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत बड़ा घर है, या वॉट एवर, चाहे आपका कितना बैंक बैलेंस क्यों ना, आप कितनी बड़ी डिग्री क्यों ना आपने हासिल कर ली हो, आप जो भी कर रहे हो अपने फील्ड में बेस्ट कर रहे हो, अच्छी बात है, यू आर सो ब्लेस्ड। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी है कि आप खरीद नहीं सकते, और जो चीजें हम खरीद नहीं सकते सबसे ज्यादा दुखी हमें वही चीजें करती हैं, क्योंकि हम इसे पैसे से खरीद नहीं सकते। जैसे मैनर्स, आप किसी दुकान में जाके कह सकते हैं मुझे 500 ग्राम मैनर्स दे दो, मुझे उसके साथ बात करनी है, नहीं। यू हैव टू अर्न इट, यू हैव टू लर्न इट। आपके संस्कार, आपके अपब्रिंग ही आपको एक इंसान होने के लायक बनाते हैं। आपकी मैनर्स, आप किसी के साथ कैसे बात करते हो, उससे पूरा आपके संस्कार का लेयर्स ओपन हो जाता है। रिस्पेक्ट, सम्मान, जब आप किसी को देंगे तो ही मिलेगा। ये किसी बाजार में, किसी मॉल में, किसी एग्जीबिशन में आपको सजा हुआ नहीं मिल सकता। सबसे महंगी चीज है ये रिस्पेक्ट, लोगों को मिलता नहीं है। लेकिन फिर भी हर इंसान चाहता है कि लोग मुझे चाहें, मुझे प्यार करें, मुझे सम्मान दें, मेरी बात माने, मेरा ओपिनियन ले, मैं सबके फेवरेट लिस्ट में रहूं। इसके लिए फर्स्ट यू हैव टू गिव, देन यू विल गेन। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है कि आप चाहे कितने भी बहुत बड़े आदमी क्यों ना हो, लेकिन आपके बोलने से, आपके बात करने से, व्यवहार से, आप जिस तरह से लोगों के साथ ट्रीट करते हो, आपका कैरेक्टर दिखता है, आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर। लोग आपकी वाहवाह तभी करते हैं जब आप सामने वाले को कैसा फील कराते हो। हम कुछ कुछ लोगों के लिए नहीं बोलते, यार मुझे वो इंसान इतना अच्छा लगता है, वो इतना स्पेशल फील कराता है, वो इसका कैरेक्टर है, इज अ डेफिनेशन ऑफ दैट पर्सन, कि वो जो भी है वो ऐसा है। और कई बार हम ये डिफरेंस करना भूल जाते हैं कि लोग हमारे बारे में इमेज कैसे करते हैं, द वे वी बिहेव विद देम, द वे वी टॉक्ड विद देम, इट्स सो इम्पॉर्टेंट। और ये सारी चीज़ें हमारी इमेज बिल्ड करती है, और इसकी वजह से लोग हमें मान देते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस कभी बाजार में नहीं मिलती ना, थ्रू एक्सपीरियंसेस, थ्रू नॉलेज, थ्रू ऑब्जर्वेशंस। आपकी अब तक की उम्र में जो भी आपने सीखा, पढ़ा, जो भी आपका जिंदगी के साथ अनुभव रहा, उससे अपनी कॉमन सेंस को यूज करते हैं, और ये आपकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में आपका एक इमेज बनाती है, और ये बहुत हेल्प करती है आपको टूवर्ड्स लाइफ, राइट? और ये छोटी छोटी चीजें आपको जिंदगी में बेहतर जीने के लिए, जिंदगी में खुश रहने के लिए बहुत हेल्प करती है। लाइक ट्रस्ट, आप ट्रस्ट जीत कैसे सकते हो? कोई कंपटीशन नहीं है, किसी पैसे से भी खरीदी नहीं जा सकती ये चीज, ट्रस्ट। यू हैव टू बिल्ड अप, यू हैव टू इन्वेस्ट इन ट्रस्ट। आप ट्रस्ट को सबसे पहले इन्वेस्ट करोगे, 5 रुपए इन्वेस्ट करोगे, अगेन 5 रुपए इन्वेस्ट करोगे, फिर 10 रुपए इन्वेस्ट करोगे, देन यू विल गेट वन डे 5 रुपीज या 7 रुपीज। प्रॉपर एकदम शेयर मार्केट जैसा ही है ट्रस्ट के साथ हमारा रिश्ता। फर्स्ट यू हैव टू इन्वेस्ट, देन यू विल गेट इट। पर मैक्सिमम टाइम पर हम पहले एक्सपेक्ट करते हैं कि यू हैव टू ट्रस्ट मी। नो, फर्स्ट यू हैव टू इन्वेस्ट इन ट्रस्ट, देन पीपल विल ट्रस्ट यू। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपकी लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी बहुत मैटर करती है, दैट हाउ मच यू आर लॉयल टू दैट पर्सन। दुनिया में इतने सारे ऑप्शन हैं उस इंसान के पास, फिर भी वो घूम फिर के आपके पास आता है, इससे बड़ी लॉयल्टी क्या हो सकती है? और आज के रिश्तों में सबसे ज्यादा कमी इंटीग्रिटी की और लॉयल्टी की है, क्योंकि लोग लॉयल ही नहीं रहना चाहते, उनके पास इतने ऑप्शंस हैं ड्यू टू सोशल मीडिया, दे कैन कैच एनीवन एनी टाइम। ट्रू वेल्थ इजंट अबाउट मनी, इट्स अबाउट मॉरल, एथिक्स, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, लव एंड लॉयल्टी।
जिंदगी जीने के लिए ये सामान है, इतने सिंपल से सामान है पर कितने जरूरी है, सोच के देखो। मेरा नाम जिया है, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे रेडियो सिटी के यूट्यूब चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हैं तो जाइए radiocity_gujarati। थैंक यू फॉर वॉचिंग ख्यालों वाली खिड़की। आपके फीडबैक और मैसेजेस मैं रीड करती हूँ। अगर आपको कोई भी ऐसा वीडियो, आपको लगता है कोई ऐसा टॉपिक आपके पास है और आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर बात करूँ, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।